अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लास्ट टू वर्कबुक निकाल ले मैथ्स की, टू क्लास की, और फर्स्ट पेज खोल ले। फर्स्ट चैप्टर है नंबर 2000, ठीक है। ये वही मैंने आपको समझाया था, 100 tens और यूनिट। 100 मीनिंग्स, 100 वो चीज़ होती है, 100 वो, इसमें दो जीरोज आते हैं, इसमें वो लाइन होता है, टेन वो जिसमें एक जीरो होता है, यूनिट वो जिसमें सिंगल नंबर होता है, ठीक है। जब आप ये लिख रहे हो तो इसका मतलब होता है ये 100 ही टेंस एंड यूनिट, यानी ये एक जीरो वाला है, ये दो जीरो वाला है, ये एक जीरो वाला है, ये और सिर्फ नंबर है। अब आपको आज सिर्फ टेंस और यूनिट, यानी एक जीरो वाले और सिंगल नंबर आपको लिखना है। पहले आपको एक जीरो वाला बता दें और फिर एक नंबर, फिर जैसे नंबर वाले बता दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये 10 बन गए, दो नंबर वाले बन गए। अभी कितनी बार है, 1 2 3, 3 10 tens है, इसको जो हम रख कर लें। अब गिने सिंगल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल क्या बना, 37। अब ये सारी क्यूब्स जो लाइन है पूरी 10 ही है, ये भी 10 है, पर आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है, ये भी दो नंबर वाले, 1 times 10 2 times 10 3 times 10 4 times 5 times 6 times 7 times, 7 times जो है ये 10 ब्लॉक्स है, तो ये टोटल ब्लॉक 70 है। तो इसमें भी एक जीरो ऐड हो गया तो ये टेंस वाले में आ जाएंगे, लेकिन हम उतारेंगे नहीं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है टेंस, तो इसका मतलब है। अब 1 2 3 4 आ गया इधर, तो टोटल क्या बने, 74, ठीक है। अब ये क्यूब भी 10 है, यानी इसमें भी दो नंबर आ रहे हैं, तो ये टी वाले में आएगा, ठीक है। कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5, 5 बार 10 10 क्यूब्स, तो ये है टोटल 50 क्यूब, इसका उतरेगा 5, क्योंकि यहाँ बता रहा है टेंस, इसका मतलब है ये जीरो, इसमें ये टेंस वाली लाइन लगा था, इसका मतलब है कि इसके अंदर जीरो है, ठीक है। अब ये गिने, 1 2 3 4 5 6, टोटल क्या बन गया, 56। ये भी टोटल 10 है, तो 1 times 10 2 times 10 3 times 4 times 5 times 6 times 7 times 8 times 9 times, तो कितनी बार 10 10 है क्यूब्स, 9 times, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल क्या बना, 98, ठीक है। अब आ जाए हाउ मैनी एग्स आप दिए, कितने एग्स है, तो पहले हमें डब्बे वाले एग्स काउंट करें, फिर हम सिंगल डिजिट्स वाले, यानी पहले टेंस में फिल करना है फिर वन में फिल करना है। टेंस मतलब आपको पता है एक जीरो साथ में उसके ऐड होता है और वन सिंगल होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें पहली बार गिनने से पता चल गया कि ये 10 है, मतलब ये दो डिजिट वाले इसमें आएंगे। अब कितने हैं ये टोटल, तो ये एक बॉक्स में 10 है, तो 1 times 10 2 times 3 times 4 times 5 times 6 times 7 times 8 times, तो ये टोटल 80x है। तो ये 10 बार, क्योंकि 10 से इसमें लिख, इसमें जीरो मौजूद है, तो आप कितनी बार 10 आया है, 8 times, तो हम उतारेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये है 9, सिंगल डिजिट 9, से वन में क्या है 9। अब जो है आपको जितने ही एक्स थे उसकी पूरी लिखनी है, 10x थे एक बार में, 10 20 30 40 50 60 70 80, अब यहाँ पूरा ही 80 लिखे, तो क्या हमें प्लस करना है, और ये 9 थे तो 9 लिखे, 80 में जब हम 9 नंबर और ऐड करेंगे तो कितने बनेगा, 89, ठीक है। जब ये हमने प्लस किया तो ये क्या बन गया, 89, तो ये कितने एक्स है पूरे, कितने मिला के हमें क्या पूछा गया था, पूरा एक्स बता रहे थे, लेकिन हमें पूरा एक्स बता रहे थे, टेंस और वंस भी फिल करना था, सब बताया, तो ये टोटल कितने एक्स है सबको मिला के सारे एक्स, 89, ठीक है। पेज नंबर 2 निकाल लें, लिखा है फिल इन द मिसिंग नंबर हैज बीन डन फॉर यू, आपको करना है फिल पूरा नंबर, लिखा है टेंस और वन, पहली चीज़ हमारी टेंस होती है और दूसरी वाली वन, क्योंकि इसमें हम टी यू लगता है ऐसे करके, पहली टेन है और दूसरी वन। अब हमें बताना है इसमें टेंस क्या है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट चीज़ 5 10 है और 7 1, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 4 10 है और 3 1, और ऐसे ही इधर जब दो नंबर होते हैं तो पहला टी होता है दूसरा यू,
मतलब यू के मीन्स यंग वंस है। अब 95, तो 9 है हमारा 10 और 5 है हमारा वंस। आप टी यू लिख के पहचान सकते हो, टी यू रख कर। अब टेंस यहाँ लिखा हुआ 8, यहाँ लिखा 8 टेंस है और 0 वंस है। अब आपको बताना, तो अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, 80। तो पूरा नंबर यहाँ आ जाएगा 80, क्योंकि ये ब्लैक बेस है, यहाँ पूरे नंबर लिखे हुए टेंस और वंस के, तो अब हमें यहाँ पूरा नंबर करना होगा। नेक्स्ट है राइट द नंबर इन वर्ड्स। अब हमें इनवर्ड्स की काउंटिंग है। यहाँ लिखा है टेंस में लिखा है 3 और 8। इस टेंस के मतलब क्या होते हैं कि इसमें 0 है, तो 3 में अगर 0 लगा तो क्या लगता है, 30 और 8। तो हम लिखेंगे टी एच आई आर टी वाई 30 ई आई जी एच टी 8 38। सेकेंड है हमारा, इसके टेंस के मतलब होते हैं इसमें 0 है, तो ये क्या है 64। अब 60 लिखें एस आई एक्स टी वाई, आप एक अपनी मर्जी का भी उतार सकते हो। एफ ओ यू आर 4। अब यहाँ भी एक लगा दे 79, क्योंकि इसके मतलब ही होते हैं कि इसमें 0 है। एस ई वी ई एन टी वाई 70 एन आई एन ई 9, ठीक है। 9 में भी 0 लगा दे 92 एन आई एन ई टी वाई 90 टी डब्ल्यू ओ 2 92। फर्स्ट वर्ड हम बिग रखेंगे, हमेशा फर्स्ट लेटर बिग ही रखते हैं।